राइफलमैन पीएच वाल्टे नंबर 3 ट्रेनिंग बटालियन, राइफलमैन इमिका मेरी पासी मिसाइल कंपनी नंबर 1 ट्रेनिंग बटालियन, प्रभाक पिचामुर प्रभाक मध्यासम टेंशन आसाम राइफल निशान परेड से वापस जा रहा है। दर्शक खड़े हो जाएं और जो यूनिफॉर्म पहने हैं वे परेड के साथ सैल्यूट करें। दर्शकगण कृपया बैठ जाएं। मेरा साथ तीन बार जय पुकारेंगे दुर्गा माता के, भारत माता के, असम राइफल के। Let's go!
अब कुछ ही क्षणों में राष्ट्रीय निशान टोली परेड पर आएगी। दर्शकों से अनुरोध है कि राष्ट्रीय निशान परेड में आने पर खड़े होकर निशान को उचित सम्मान दें। जो दर्शक यूनिफॉर्म पहने हुए हैं वे परेड के साथ सैल्यूट करें। राष्ट्रीय निशान टोली का नेतृत्व कर रहे हैं नायब सूबेदार गोविंद कुमार। यहाँ पर विविध संप्रदाय, संस्कृति, भाषा और विचारों को मानने वाले लोग रहते हैं, जिसमें अनेक धर्म हैं। सभी को अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है। व्यक्ति चाहे
जिन धर्म को मानता हूँ, धार्मिक शिक्षाएं उसे एक लक्ष्य की ओर ले जाती हैं और अंत में मनुष्य सर्वशक्तिमान ईश्वर तक पहुंच पाता है। कोई भी धर्म नफरत का पाठ नहीं सिखाता, सभी धर्म प्रेम स्नेह दया और भाईचारे के ऊपर खड़े हैं। भारत में मुख्य रूप से चार धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई धर्म। सर्वधर्म संघ का सबसे अच्छा उदाहरण है सेना। सेना एक ऐसा संगठन है जिसमें भारत के विभिन्न भागों से विभिन्न धर्मों को मानने वाले जवान भर्ती होते हैं। इसलिए देश ग्राम में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों धर्म के धर्मगुरु होते हैं। धर्मगुरु पवित्र गीता पुराण ग्रंथ साहित्य और बाइबल लेकर विक्रम के सामने से गुजर रहे हैं। विक्रम दाएं हाथ से अपने अपने धर्म के अनुसार इन पवित्र ग्रंथों को छू रहे हैं। इन धार्मिक ग्रंथों को साक्षी मानकर आसाम राइफल के विक्रम अपने भावी नवीन सैनिक जीवन की शपथ ग्रहण करने के लिए तैयार हो रहे हैं। राष्ट्र ध्वज और आसाम राइफल ध्वज विक्रूज के कंधों को स्पर्श करते हुए गुजर रहे हैं। राष्ट्र ध्वज इन विक्रूज को देश की रक्षा आन बान और शान के सम्मान तथा आसाम राइफल ध्वज इन्हें संगठन की शान और सम्मान का भविष्य में एहसास करवाएगा। राष्ट्रीय ध्वज हमारी एकता अखंडता और आज़ादी का प्रतीक है। ये हमारे महान राज्य की शान है, हम देशवासियों का मान है। इसमें केसरिया रंग साहस और त्याग का, सफेद रंग सत्य और शक्ति का और हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है। राष्ट्रीय झंडे का स्थान सबसे ऊंचा है, इसलिए यह फेर में सबसे आखिर में लाया जाता है। जब बाकी कलर इसको सलामी देने के लिए उपस्थित हो तो राष्ट्र और शारीरिक क्षमता के साथ देश प्रेम की भावना
कर्तव्य निष्ठा, अद्भुत साहस तथा आत्मविश्वास की भावना का भी विकास किया जाता है। ये वीर सैनिक किसी भी प्रकार के दुर्गम परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार है। जवानों का जोश देखते ही बनता है। उनको देखने से पता चल रहा है कि उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत, लगन और रुचि से ट्रेनिंग पूरी की है। आज ये जवान सैनिक किसी भी परिस्थिति से निपटने में सक्षम होंगे। आसाम राइफल्स के बहादुर सैनिक आने वाले समय में आसाम राइफल्स की अलग अलग बटालियन में जाकर अपनी प्रतिभा व शौर्य का परिचय देते हुए अपना व देश का नाम रोशन करेंगे, जो हमें इनके मार्च पास्ट की झलक से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। वीर बहन के वसुंधरा के रूप का प्रगाढ़ है सैनिक, वीर बहन के वसुंधरा के रूप का प्रगाढ़ है सैनिक, आजाद हिंदुस्तान के निर्माण का आधार है सैनिक। हौसले बुलंद है, हौसले बुलंद है और हिम्मत का आधार है सैनिक। काम नहीं करे मुश्किल, काम नहीं करे मुश्किल, खतरे से नहीं डरता है सैनिक। इस पवित्र भावना के आधार पर इन सैनिकों का प्रशिक्षण हुआ है, जो कि आज अपने सैनिक जीवन में पहला कदम रखने जा रहे हैं। आज से सभी नए राइफल मैन जूतो गौरव महसूस कर ही रहे हैं, परंतु उनके साथ उनके लिए उत्साह भी गौरव का अनुभव कर रहे होंगे, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से बड़ा प्रशिक्षण लेकर इन्हें प्रशिक्षित राइफल मैन अर्थात निपुण सैनिक बनाया। मैं इनके अंदर देश प्रेम, अनुशासन जैसे असंख्य गुणों का विकास किया है। अब ये सैनिक देश की आन बान शान व सुरक्षा के लिए भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। आसाम राइफल्स का इतिहास हमेशा ही गौरवपूर्ण रहा है, फिर ये इसे और भी गौरवशाली बनाएंगे। हम आप सभी से यह उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी मेहनत करते रहेंगे और देश के सफल नागरिक बनेंगे। देश के प्रति आपकी जिम्मेदारियां आज से और भी बढ़ रही है। आप वीरता के साथ किस तरह की जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, ऐसी हमारी भावना है। सभी के उत्तर भविष्य और सफल सही जीवन की मंगल कामना के लिए श्रीमान, यहाँ पर कसम ब्रेक की कार्रवाई बंद हुई। जय श्रीमान।